नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लविंद्रा ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 1985 की पांच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, सबसे ज़्यादा हिट होने वाली फिल्में, और जो उस दौर सब बहुत ज़्यादा कमाई की थी। हालांकि 1980 से 90 का दौर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 1985 की टॉप 5 फिल्में। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेट मिल जाता है, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार स्पोर्ट्स और बॉलीवुड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देते रहे। तो 1985 की जो पांचवे नंबर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, वो थी न्यू कमर, जो कि नए नए अभी आए थे, सनी देओल, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की फिल्म अर्जुन। सनी देओल के अलावा इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया, राज किरण, प्रेम चोपड़ा और अनुपम खेर जैसे उम्दा कलाकार थे। और अर्जुन जो कि एक फ्रेंड सर्किल की मूवी है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, उसका मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है, ममैया केरो 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 मामा केरो मामा, ममैया केरो 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 मामा, दुनिया माने बुरा तो गोली मारो गोली मारो, दुनिया माने बुरा तो गोली मारो। और इस पिक्चर के डायरेक्टर थे राहुल रावल, म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन साहब ने, और ये फिल्म उस दौर में 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि इतना ख़राब दौर चल रहा था 1980 से 90 के बीच, कुछ गिने चुने फिल्में ही हिट हो रही थी हर साल। तो 1985 की पांचवी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उस दौर की। तो 1985 की जो चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, वो थी गुलामी। गुलामी के कलाकार थे धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, रीना राय और अनीता राज। रीना राय, अनीता राज, ये लोग उस समय 80 के दशक में अपना जलवा बिखेर रहे थे। इनके अलावा ये ऐसे कलाकार थे, भारतीय सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी का बहुत ज़बरदस्त जलवा था, चल रहा था। उसके अलावा जयाप्रदा का बहुत बढ़िया दौर चल रहा था। उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे कलाकार जैसे कि अनीता राज, स्मिता पाटिल भी अपने जलवे बिखेर रहे थे। गुलामी पिक्चर के को म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गुलामी पिक्चर का एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मिथुन दा और अनिता राज के लिए फिल्माया गया था, जी हार मस्केन मकंब रंजिस। इस गाने का लिरिक्स थोड़ा सा टफ बन जाता है, थोड़ा उर्दू और अरेबियन टच गाना है ये, और अगर आपको इस गाने का सही लिरिक्स के साथ धुन पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिए, लिख दीजिए। तो टॉप फाइव में जो कि गुलामी चौथे नंबर पे थी 1984 में, चलिए अब बात करते हैं 1984 की जो तीसरी सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म, और वो थी प्यार झुकता नहीं। प्यार झुकता नहीं के कलाकार थे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरी, डैनी। मिथुन चक्रवर्ती का ये दौर बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था, बिल्कुल अपने चरम सीमा में थे। और इवन ये भी कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती अगर कुछ गलतियाँ नहीं करते तो अमिताभ बच्चन का जितना नाम है आज मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम होता। मिथुन चक्रवर्ती के वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, खासकर से उनकी जो फिल्म आई थी 1981-82 में डिस्को डांसर, वो फिल्म के जो गाने थे आई एम ए डिस्को डांसर, उस फिल्म से तो वर्ल्ड वाइड में इतना छा गए थे, मान लो माइकल जैक्सन और इंडिया के, मिथुन जैक्सन माइकल जैक्सन कहा जाने लगा इंडिया के, और रसिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। आज भी उनके जो पुराने वहाँ के फ़ैन फॉलोइंग है, आज भी मिथुन दा को बहुत मिस करते हैं। तो प्यार झुकता नहीं के गाने बहुत अच्छे अच्छे थे, चाहे लाख तूफान आए फिर तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, ये सारे गाने लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने गाए थे। और प्यार झुकता नहीं 1985 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। चलिए अब बात करते हैं 1985 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म, और वो थी अमिताभ बच्चन की मर्द। और अमिताभ बच्चन के अलावा इस पिक्चर में अमृता सिंह, प्रेम चोपड़ा, दारा सिंह, निरूपा राय जैसे कलाकार थे। और इस मर्द पिक्चर के डायरेक्टर थे लेजेंडरी मनमोहन देसाई साहब, और म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। अनु मलिक का ये नया नया दौर शुरू हुआ था, ये फिल्म उस दौर में 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। जी हाँ, उस दौर में 12 करोड़ का कलेक्शन। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, जो कि 1982 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। अब बात करते हैं 1985 की नंबर वन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म, और वो थी राम तेरी गंगा मेली। राम तेरी गंगा मेली के कलाकार थे ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर। राजीव कपूर के अलावा इस फिल्म में मंदाकिनी, दिव्या राणा जैसे कलाकार थे, शम्मी कपूर भी नजर आएंगे, और भी कलाकार थे जो
बहुत ही जबरदस्त रोल किए थे और इस पिक्चर के डायरेक्टर थे कपूर खानदान के सबसे फेमस पर्सनैलिटी और वो थे राज कपूर साहब। राज कपूर साहब इस पिक्चर को लिखे भी थे और इसके अलावा वीपी शाह थे, के सिंह, ज्योति स्वरूप भी इस पिक्चर को लिखने में राज कपूर साहब की मदद किए थे। इस पिक्चर को म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन ने। ये फिल्म काफ़ी विवाद में भी आया था क्योंकि इसमें मंदाकिनी को काफ़ी बोल्ड और न्यूडिटी दिखाया गया था। सेंसर ने उसमें पास तो कर दिया था लेकिन पब्लिक को वो सारे सीन काफ़ी थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन फिर भी ये फिल्म उस दौर में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। और इस पिक्चर के गाने थे एक राधा एक मीरा, ये गाना बहुत अच्छा चला था और भक्ति टाइप का गाना माना जाता है। और उसके अलावा ये गाना था राम तेरी गंगा मैली हो गई। राम तेरी गंगा मैली का अगर मैं फेवरेट इस पिक्चर की जो बेहतरीन गाना है उसकी बात करूँ तो वो थी सुन सा बसुन सुन सुन प्यार की धुन धुन, तो जो कि राम तेरी गंगा मैली 1985 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और ये उस दौर में वर्ल्ड वाइड 19-20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। जी हाँ, मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये थे 1985 की पांच बेहतरीन सुपर डुपर हिट फिल्में। आपको इन सब में सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी लगी? अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे लगी सनी देओल की अर्जुन, क्योंकि सनी देओल वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर है। और ये फिल्म अगर नहीं देखी है आप देखिए, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और प्लीज़ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।